बात 4-5 साल पुरानी है। दशहरे का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ रामलीला देखने गया हुआ था। रामलीला गांव से कुछ दूर बाजार की तरफ थी। रामलीला 12 बजे के बाद ख़त्म हुई। मेरे सारे दोस्त घर को निकलने लगे, मगर मैं वहीं के कुछ दोस्तों के साथ बातें करने लगा। जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे कोई अपने साथ का नहीं मिला। अब मैंने सोचा कि यहीं रुक जाऊं, मगर फिर सोचा कि घर वाले परेशान होंगे, इसलिए घर के लिए निकल गया। रास्ते में जंगल पड़ता था और मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। जंगल में घनघोर अंधेरा था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत खड़ा हो। अचानक कोई मेरे सामने से तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि ये पास के गांव का कोई लड़का होगा। मुझे थोड़ी दूर चलने पर राहत मिली क्योंकि मुझे कोई साथी मिल गया था, मगर वो लड़का बहुत तेजी से भाग रहा था। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, ओ गोल्ड मेडलिस्ट, जरा धीरे चल यार। मगर इतने में वह लड़का रास्ते से बाहर घनी झाड़ियों की तरफ कूद गया। मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात में कोई भला जंगल की तरफ क्यों जाएगा। मुझे डर लगने लगा। मैं तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मेरे साथ साथ ही चल रहा है। थोड़ी ही दूर एक हनुमान जी का मंदिर था। मैं भागकर मंदिर के अंदर चला गया और सुबह तक वहीं बैठा रहा। सुबह जब एक दो लोग आए तब मुझे लगा कि सुबह हो गई है और मैं वहाँ से उठकर अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी मनोज जी की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप भी अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।